मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन के बगैर रिडक्शन नहीं हो सकता और रिडक्शन के बगैर, तो अगर कोई इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो इलेक्ट्रोड में आप या तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा या तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा हो या सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वहाँ पे रिडक्शन भी होगा, और जहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वहाँ पे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मुझे ई नॉट ऑफ द सेल चाहिए, तो ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला आपको अभी तक यही पढ़ाया गया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही तो पढ़ाया गया। सोचो मुझे, मैंने एक बैटरी तैयार की, उस बैटरी में जो रीडिंग आ रही है, जो बैटरी की रीडिंग आ रही है वोल्टमीटर में, वो क्या होता है? ई नॉट ऑफ द सेल। कैथोड की जो रीडिंग होगी वो ये, एनोड की जो होगी ये होगा। अगर कैथोड है तो एनोड होगा, तभी जा करके ई नॉट की वैल्यू आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, जैसे जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, या सिर्फ कॉपर का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ तो मैं जिंक लिखता था, तो इधर तो कॉपर लिखा जाएगा ना। मैं चाहता हूँ कि कॉपर हो ही ना, मुझे सिर्फ जिंक का चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो हो, यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए इसकी वैल्यू जीरो हो, ताकि ये जो सेल में जो रीडिंग आए वो किसकी वजह से सिर्फ आए? एनोड की वजह से आए। या अगर मुझे सिर्फ कैथोड का पोटेंशियल निकालना हो तो मैं चाहता हूँ कि एनोड वाली वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, ताकि जो कैथोड का पोटेंशियल हो वही रीडिंग में आए। क्या ये बात समझ आ रहे हो? अगर मुझे एनोड का पोटेंशियल निकालना है तो मैं चाहता हूँ कि कैथोड जीरो हो जाए, और मुझे कैथोड का पोटेंशियल निकालना है तो मैं चाहता हूँ एनोड जीरो हो जाए, ताकि सेल में जो रीडिंग आए वो एनोड या कैथोड का ही हो। बट यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इसे जीरो करो, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सेल यूज नहीं कर रहे, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हो, तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? इस वजह से कभी भी किसी हाफ इलेक्ट्रोड, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल होता था। तो उसकी केस में हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जीरो हो, और उसको बोलते हैं SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्या है इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है ना E ऑफ द हाइड्रोजन, बताओ बेटा क्या होता है? E नॉट फॉर हाइड्रोजन, आपने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी कि हाइड्रोजन को मान लो H2 है, वो H2 क्या हो सकता है? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अगर ये वाला रिएक्शन फॉलो हो रहा है तो वो एनोड पे होगा या कैथोड पे? एनोड पे। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं पलट दूँ, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये क्या रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड या एनोड? कैथोड पे। अगर मान लीजिए कैथोड पे रखना है तो ये वाला रिएक्शन फॉलो करेगा, एनोड पे रखना है तो ये वाला रिएक्शन फॉलो करेगा। और इसके केस में ई नॉट की जो वैल्यू होती है, चाहे H2 2H+ हो, इसकी भी वैल्यू क्या होगा? जीरो। और ई नॉट चाहे H+ से लेकर के H2O, इसकी वैल्यू क्या होगा? जीरो। यस नो? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। तो इसके केस में भी ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आइए इस सेल को बनाते हैं। इस सेल को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में मैंने पहले पानी भर दिया, और पानी का कलर किससे लिखेंगे? ब्लू कलर से। क्यों?
क्योंकि पानी ब्लू होता है। नहीं 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 पानी का कलर ब्लू होता है। किसने बताया था? हनी सिंह ने। हनी सिंह ने एक गाना गाया, आज ब्लू है पानी पानी पानी, उससे पता चल गया ना पानी ब्लू होता है। यह ऐसा कुछ होता नहीं है, पानी का कोई कलर नहीं होता। वो हनी सिंह के कहने पर मत जाना। आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के रील देख करके क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें तो बेटर होगा। इसके लिए क्या होगा, मैंने एक पतला सा वायर लिया और एक प्लेटिनम का रॉड लेकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ये है आपका प्लेटिनम। इस प्लेटिनम को एक वायर से आगे कनेक्ट किया, लेकिन इसको एक ग्लास से ढक दिया मैंने, एक ग्लास से मैंने इसको ढक दिया। क्यों ढका उसके लिए बताऊंगा। और यहाँ पे बीच में मैंने हाइड्रोजन वन बार पर, हाइड्रोजन गैस H2 गैस है, जो वन बार पर मैंने इसको रख दिया। वन बार का मतलब बार एक यूनिट है ना, ठीक। तो वन बार मैंने एक प्रेशर पे इसको रख दिया। इससे ज़रा बताओ प्लेटिनम पर ये, अब दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात, ये जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना बेटा, ये सॉल्यूशन है आपका HCl का। अब सवाल है कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो 1 mm का HCl होगा। 1 mm का मतलब 1 mole/L का HCl जो इसके अंदर डाला हूँ, 1 bar पे मैंने H2 डाल दिया। दो काम हो सकता है, या तो HCl का के अंदर जो प्रेजेंट है H+ है, वो H+ किस में कन्वर्ट हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो गया, अपने आप को रिड्यूस करे, या तो जो हमने हाइड्रोजन डाला है वो हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दें, दो H+ में। इस इलेक्ट्रोड को जब रिप्रेजेंट करोगे तो दो चीज़ें होंगी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमेशा जब भी इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करोगे क्या करोगे आप, सबसे पहला काम क्या करोगे, प्लेटिनम लिखोगे। प्लेटिनम आपको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि प्लेटिनम के प्रेजेंस में ही काम हो रहा है। तो प्लेटिनम आपने लिख दिया, फिर आप कहेंगे कि H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो या इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख सकते हो, पहले आपने H2 लिख दिया, फिर आपने प्लेटिनम लिख दिया, फिर आपने पहले आपने H+ लिख दिया, फिर आपने प्लेटिनम लिख दिया, फिर आपने H2 लिख दिया। तो चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो इसको, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। क्या मेरी बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लेटिनम का यूज क्यों किया गया, प्लेटिनम का यूज इसलिए किया गया क्योंकि H2 गैस के फॉर्म में है। गैस को डिपॉजिट होने के लिए मुझे एक मेटल सरफेस चाहिए होता है। शायद आप लोगों ने क्लास 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एल्कीन रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम क्यों यूज किया जाता था, ताकि हाइड्रोजन आए। देखो जो ये कैटलिस्ट होता है ना, मेटल कैटलिस्ट, वो गैसेस को अपने ऊपर एक्युमुलेट होने देता है, यानी कि गैसेस जाते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं चुपचाप, और दो जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट भी उसी सरफेस पे जाके बैठ जाता है और उसी सरफेस पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, और फिर कैटलिस्ट अपना आराम से, उसका काम है बस सरफेस को प्रोवाइड करना। अब रिएक्शन हो रहा है तो एक जगह होना चाहिए ना जहाँ पर रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन हवा में तो रिएक्शन कर नहीं लेगा, रिएक्शन करने के लिए दोनों को प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, वही स्पेस प्रोवाइड करने वाला होता है निकल या यहाँ पे प्लेटिनम। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिनम यूज किया इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। तो चाहे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, चाहे इस तरीके से, अगर मुझे इनॉट ऑफ द सेल लिखना होता इसी के लिए, तो इनॉट ऑफ द सेल क्या लिखता, इनॉट ऑफ द, देखना क्या लिख सकता हूँ मैं, H+ प्लेटिनम H2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। या इनॉट ऑफ द सेल H2 प्लेटिनम H+, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। प्लेटिनम बार बार मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बगैर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुन लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीरीज पढ़ा दिया, कौन सा सीरीज था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस, ऑक्सीडाइज होंगे, और हाइड्रोजन के नीचे वाले रिड्यूस होंगे, ये बात तो पक्का हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक का, किसका, जिंक का, तो मैं ऐसे लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ Zn e naught of Zn +2 टू Zn, मुझे ये चाहिए। अब इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए, आपको एक सेल तैयार करना होगा। मैंने एक सेल तैयार कर दिया, अब बस आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें एनोड पे कौन रखूँगा और कैथोड पे किसको रखूँ। जिंक और हाइड्रोजन दो हैं, तो एक को एनोड पे रखना होगा, एक को, हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक या नीचे,
हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? तो ऑक्सीडाइज होने वाला एनोड पे रखते हैं या कैथोड पे? तो यानी कि हमने जिंक को कहाँ रख दिया? एनोड पे। तो यहाँ पे मैंने जिंक का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, और ये कौन यहाँ पे कौन सा रहेगा बेटा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कौन रहेगा? इस तरीके से मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया या फिर ऐसे। अब बताओ ये जो तैयार हुआ, ये जो सेल, हमें तो बस थोड़ी देर के लिए चाहिए, ये जो सेल तैयार हुआ होगा, इस सेल में एक सेल पोटेंशियल आया होगा, ये जो रीडिंग आई होगी, यही होता है ई ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल मुझे ये पता करना है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से ई नॉट ऑफ द सेल क्या होना चाहिए? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही तो होना चाहिए। सुनो, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ई नॉट की वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल होना चाहिए ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन। तो आपने कहा ई नॉट ऑफ एच प्लस प्लेटिनम एच टू माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू टू जेड एन। यह सुनो, इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो रीडिंग यहाँ पे दिख रही होगी। यह सुनो, तो एक्चुअली इसकी जो रीडिंग निकली थी वो 0.76 निकली। इससे क्या पता चला हमें कि माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू टू जेड एन की वैल्यू क्या आ गई? 0.76। तो क्या ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू टू जेड एन कितना आ गया? माइनस 0.6। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या है? माइनस 0.76। अगर इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होता तो ई नॉट ऑफ जेड एन टू जेड एन प्लस टू दिस इज इक्वल्स टू प्लस 0.76। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये स्टैंडर्ड, फिर से एक बार इसे समझा दूं, मैंने क्या किया, मैं जिंक का, ध्यान सुनना, मैं चाहता हूं कि मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लूं, उसके लिए मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता है। तो मैंने एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा, एक तरफ जिंक का रखा, लेकिन बस मुझे ये कन्फर्म करना था कि जिंक किधर रखूँ और हाइड्रोजन किधर रखूँ। तो आपने कहा कि सर जिंक आप एनोड पर रखोगे और हाइड्रोजन आप कहाँ पर रखोगे? कैथोड पर रखोगे, यही तो होगा। वन एम जेड एन एस ओ फोर होगा यहाँ पे, यहाँ पे वन एम जेड एन एस ओ फोर, यहाँ पे वन एम एच सी एल, और ये एच टू वन बार पे आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मुझे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस आर पी मिल जाए, उसके लिए मैं किसकी मदद लेने वाला हूँ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने कैथोड पर रखा क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे आता है, इसलिए मैंने उसको कैथोड पर रख दिया। ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया, तो सेटअप से हमें ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू मिलेगी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कि कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन, जिसका ई नॉट क्या होता है? जीरो। और कैथोड पे कौन है? जिंक। अब जो रीडिंग निकल रही है, ये रीडिंग कितनी आ रही है? 0.76। इसका मतलब ये रीडिंग किसकी वजह से हुई होगी? जिंक की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो हो गया। तो जिंक की वजह से जो रीडिंग आई 0.76 वो निकल के आई है कुछ इस तरीके से। तो मैं कहूंगा कि जेड एन प्लस टू टू जेड एन, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 0.76। और इसी को पलट दिया जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76। मैं चाहता हूं कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पुराने राइटर हुआ करते थे कवि, उन लोगों की हर एक लाइन में यूनिवर्स का एक एक रहस्य छुपा होता था। इवन कि आप लोग सोचो कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप नहीं पढ़े हो, अभी बताता हूँ कैसे। आप एनसीईआरटी क्लास 11th फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है पारस पत्थर के बारे में, इसे फिलोसोफर स्टोन बोलते हैं। क्या किसी ने सुना है या देखा है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो पारस पत्थर क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। पारस पत्थर यानी कि एक ऐसा स्टोन, फिलोसोफर स्टोन एक ऐसा स्टोन है या था जिससे अगर कभी भी किसी भी आयरन की चीज़ को टच कर दो तो वो गोल्ड बन जाता था। तो अगर ऐसा होता नहीं तो एनसीईआरटी लिखी क्यों? क्लास 12th पारस का मतलब सोना होता है। सही बोला उसने, पारस का मतलब सोना होता है, इसीलिए तो उसको पारस पत्थर बोलते हैं।
पारस पत्थर का मतलब एक ऐसा पत्थर नहीं, सोने का नहीं था वो, एक गंदा सा दिखने वाला काला सा पत्थर था। क्लास 11th फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ में जाओ, देखोगे फिलोसोफर स्टोन ब्रैकेट में लिखा हुआ है पारस पत्थर। क्या बेटा? उसकी खास बात है वो असली में था, अब नहीं है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, तुम लोगों ने सरस्वती नदी का नाम सुना है? लेकिन सुना होगा ना नाम तो। तो गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियाँ थीं, गंगा या और यमुना के संगम से एक सरस्वती बन के तैयार होती थी। तीन अलग अलग कलर में उसका पानी दिखाई देता था। कभी जाओगे तुम इलाहाबाद तो तुम्हें यह संगम दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती नदी का पानी उसका यूज किया जाता था पहले सोमरस बनाने के लिए। सोमरस का नाम सुना है? एक काढ़ा। तो सरस्वती नदी का पानी ही यूज किया जाता था। ऐसे रच करो तो पहले के टाइम में जो जो आपके राइटर हुआ करते थे वो बहुत ही बड़ी बड़ी बात है। जैसे कि एक कवि ने एक लाइन लिखी थी जिसमें उन्होंने वीडियो कॉलिंग का जिक्र किया था, लेकिन कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो लाइन क्या थी? एक प्रेमी यानी कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलता है, हम तुम इतनी दूर धरा से नभ की जितनी दूरी, हम तुम इतनी दूर धरा से नभ की जितनी दूरी, फिर भी हमने प्यास मिलन की पल में कर ली पूरी। कैसे कर ली? टाइम टू टाइम सारी चीज़ें बदल जाए। मतलब ये एक बंदा है जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है जैसे कि धरती से लेकर आकाश तक की दूरी, और पल में उसने अपने मिलन की चाहत उसे पूरी कर ली। कैसे? वीडियो कॉल से। अब मिलना है तो वीडियो कॉल, उसकी शक्ल आपको दिख गई, आपकी शक्ल उसको दिख गई। तो ये एक लाइन थी जिसमें सोचो कि इतनी गहरी बात छुपी हुई थी, लेकिन लोगों को क्या लगा? मजाक की बात है, चलो हटो। कवि की कल्पना देखो। अगर तुम लोगों ने कभी कोई पोएम पढ़े, अगर आप में से कोई भी कोई पोएम पढ़े ना, तो उस पोएम की गहराई को समझने की कोशिश करना है। बहुत कुछ छिपा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़। इसे रेज करो। आप जरा देखो, जल्दी से मुझे बताओ, मेजरमेंट ऑफ जिंक का मैंने तो लिख दिया, मेजरमेंट का ऑफ कॉपर का आप लिखोगे? पॉजिटिव में आएगा उसका, और वो कैथोड है। हाँ, तो क्या लिखेंगे अगला टॉपिक? क्या हमारा मेजरमेंट ऑफ कॉपर? ई नॉट ऑफ सी यू प्लस टू टू सी यू। अब इसके लिए मुझे बताओ, सिंपली बताना, इस बार एनोड पे रखूं या कैथोड पे रखूं? तो एनोड पे कौन होगा? एनोड पे इस बार होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, ठीक है, सिंपली लिख रहा हूं। और कैथोड पे कौन होगा बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इस हिसाब से E नॉट ऑफ द सेल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। यस और नो? जैसे भी वाला हुआ था, इस केस में E नॉट ऑफ कैथोड की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिखोगे E नॉट ऑफ कैथोड पे कौन है? कॉपर। तो सी यू प्लस टू टू सी यू माइनस E नॉट ऑफ क्या लिखूँ? H प्लस प्लेटिनम H2, यही लिखूँगा। ये कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ये भी रिडक्शन। तो बताओ इस बार इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो रीडिंग जो आई होगी वो रीडिंग है 0.34। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई नॉट ऑफ द सी यू प्लस टू टू सी यू की वैल्यू क्या आ गई? 0.34। ये सुनो, इस हिसाब से कोई मुझे डेनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल का एसआरपी पता करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर डेनियल सेल का पहले रिएक्शन मैं बता देता हूँ, जेड एन सॉलिड प्लस सी यू प्लस टू एक्वस गिव्स जेड एन प्लस टू एक्वस प्लस सी यू सॉलिड, यही होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का। तो E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू पता करना है तो कहोगे E नॉट ऑफ कैथोड की जगह पे कौन होगा? सी यू प्लस टू टू सी यू माइनस E नॉट ऑफ
Zn प्लस टू टू Zn। जल्दी सी नॉट ऑफ Cu प्लस टू टू Cu की वैल्यू बताओ कितनी निकली। 0.34 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.76। तो आंसर हो गया 0.34 प्लस 0.76 द फाइनल आंसर इज 1.1 वोल्ट। ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1.1 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो फिर से बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए और उसका पोटेंशियल भी जीरो होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पढ़ा दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब हाइड्रोजन के साथ किस हाइड्रोजन के साथ रखे जाएंगे, तो हाइड्रोजन के उस टाइम पे कैथोड के फॉर्म में रखा जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले किसी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन को रखना है तो हाइड्रोजन को एनोड के फॉर्म में रखा जाएगा। और इस तरीके से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो, कोई दिक्कत, नोट करें इसको। एक छोटा सा सवाल है, क्या जिंक के कटोरे में कॉपर सल्फेट रखा जा सकता है या नहीं। बेसिक सा सवाल, जिंक के कटोरे में कॉपर सल्फेट रखा जा सकता है या नहीं। नहीं, क्यों? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझता हूँ, पहले ये नोट कर लो, फिर ये वाला इरेज करो, इधर इधर ये इरेज करो। सवाल ये है, देखो अभी भी एक चीज़ यहाँ पे लिखे, इसी को समझ लो। जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड है या लिक्विड या गैस है? तो कटोरा किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड या एक्वस? तो किसका कटोरा है, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर का। तो मैंने आपसे कहा जिंक के कटोरे में, यानी द बाउल ऑफ जिंक यानी कि सॉलिड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी सी यू प्लस टू अगर रखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। और उन दो चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते हो कभी जो आपस में रिएक्शन कर जाएं। जैसे दूध में नींबू का रस नहीं निचोड़ सकते हो क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन उसी दूध में आप चीनी डाल सकते हो क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जल्दी बताओ फिर से, देखो अगर आपने जिंक का कटोरा लिया है तो जिंक का कटोरे में यानी कि जिंक सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट लिया नहीं कॉपर एक्वस फॉर्म में है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, इस वजह से इन दोनों को एक साथ रख नहीं सकते। लेकिन सवाल बदल दिया जाए, कॉपर के कटोरे में क्या जिंक सल्फेट रख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉपर अगर सॉलिड फॉर्म में है ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन प्रोडक्ट ये नहीं बना सकते। इसीलिए आपको क्या करना होगा, द बाउल ऑफ जिंक अगर है आपके पास उसमें कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट कॉपर का बाउल अगर है तो उसमें आप जिंक सल्फेट आराम से रख सकते हो। एक बेसिक सा सवाल था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हाँ पूछ ले दिगंबर, चल पूछ ले चल। हाँ हाँ, उसमें क्या होगा कि कटोरा कॉपर का नहीं बनेगा लेकिन जो सॉल्यूशन है वो Zn का जिंक का बन जाएगा। आप अभी थोड़ी देर पहले क्या डाल के गए हैं, CuSO4 डाल के रखे हैं, चले गए आधे घंटे बाद आप वापस जब आएगे ना तो आप दो क्यों करें CuSO4 के बजाय ZnSO4 दिखने लगेगा आपको। और जो कॉपर है, जो जिंक है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो चुका होगा तो उसमें होल हो गए। नहीं, कटोरा कॉपर का नहीं बनेगा लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा पूरा जिंक, और इस वजह से जिंक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है कि कभी अल्कोहल को कभी मेटल के बर्तन में रखा जा सकता है? नहीं, या तो कभी अल्कोहल पीने वालों को देखो, वो तो अगर मान लो सस्ते लोग हैं तो प्लास्टिक का ग्लास होता है, थोड़ा पैसे वाले लोग हैं तो कांच का ग्लास यूज करते हैं, वो मेटल का ग्लास कभी नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री जानते हैं, अल्कोहल को कभी मेटल के साथ नहीं रखा जा सकता, उससे रिएक्शन करता है वो। बता दूं सब यही बता दूं तुम्हें। हेड डालेंगे,
ऑडियो जंगल।